कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर घमासान, बोले बांग्लादेश जैसा भारत में भी हो सकता है हाल। एमपी कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा का भी भड़काऊ बयान, कहा पीएम निवास पर कब्जा कर लेगी जनता। बीजेपी बोली खुर्शीद के लिए राष्ट्र नीति से बढ़कर राजनीति। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, दंगाइयों ने घरों और दुकानों में की आगजनी। गायक राहुल आनंद के घर को कट्टरपंथियों ने भूखा, करीब 3000 वाद्य यंत्रों को जलाया। बांग्लादेश में तालिबानी कट्टरता की तस्वीर, एक्टर शांतो खान और उनके पिता की हत्या, मुजीबुर रहमान पर बनी फिल्म में किया था काम, शेख हसीना के पार्टी के 20 नेताओं की हत्या। कल लोकसभा में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल, वक्फ एक्ट संशोधन को लेकर TV9 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। सरकार मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को करेगी खत्म, वक्फ संपत्ति को पोर्टल पर करना होगा अपडेट, सूत्रों के हवाले से खबर। पेरिस से स्वदेश लौटी शूटर मनु भाकर, दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया देश का मान।